हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है इट्स क्वाइट स्पेशल। तो हमारी जो सीरीज़ है बेसिक्स ऑफ डिजिटल पेंटिंग, तो उस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है, ठीक है, इसको नोट करिएगा, सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, चैनल का नहीं। तो हमारी सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू बी क्रिएटिव, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगी एंड आई होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग देर इज़ वन थिंग जो कि मैं बोलना चाहूँगी, ठीक है। एज पर माई बिलीव आई थिंक दैट एवरी वन इज़ क्रिएटिव, ठीक है, हर कोई क्रिएटिव है। बट या द टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ टू बी क्रिएटिव। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप गूगल सर्च करते हो कोई भी चीज़ें, तो यू नो यू सर्च लाइक दैट हाउ टू बी क्रिएटिव एंड हाउ टू बी दिस एंड दैट। सो दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से मेरा टाइटल है हाउ टू बी क्रिएटिव। अदरवाइज आई डू बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ क्रिएटिव। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो अगर आप क्रिएटिव हो या क्रिएटिव होना चाहते हो, सो यू शुड हैव दैट थर्स्ट टू लर्न, ठीक है, आप में वो डिज़ायर होनी चाहिए सीखने की। ओके, यू शुड हैव दैट क्रेविंग टू लर्न। अगर आपने कोई नई चीज़ देखी है एंड यू फील लाइक कि वाओ ये तो बहुत अच्छा है एंड आई वांट टू लर्न इट, देन दैट्स अ गुड साइन। सो यू शुड हैव दैट थर्स्ट टू लर्न। आपको हमेशा यू नो यू शुड बी अ ग्रेट लर्नर, तो दैट्स अ गुड साइन। सो ऑलवेज कीप अ थर्स्ट टू लर्न। देन यू नो यू शुड लुक फॉर इंस्पिरेशन अराउंड यू। ऐसा बहुत बार होता है, सभी के साथ होता है ऑलमोस्ट, कि कई बार यू नो वी डोंट फील मोटिवेटेड, हमको ऐसा लगता है कि वी नीड मोटिवेशन। तो उसके लिए यू नो कई बार ऐसा होता है कि हम मोटिवेशन के पीछे इतना ज़्यादा भाग जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ भी नहीं करते हैं और हम बैठ जाते हैं कि यार मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। तो दैट्स यू नो यू शुड डन डू दैट। इंस्टेड वॉट यू कैन डू, आपको यू नो इंस्पिरेशन अपने आसपास देखनी चाहिए। अगर आप अभी अपने खिड़की के बाहर देखोगे तो आपको आपके आर्ट के लिए यू नो आपकी जो भी क्रिएटिव चीज़ आप करना चाहते हो, आई विल से आर्ट ओवर हियर, तो अगर आप कोई क्रिएटिव आर्ट बनाना चाहते हो एंड यू वांट इंस्पिरेशन फॉर दैट, तो आप अगर अपनी खिड़की के बाहर भी देखोगे ना, यू आर गोइंग टू गेट थाउजेंड्स ऑफ इंस्पिरेशंस, ठीक है। अगर आप इस कमरे में, लेट्स से अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ एंड आई वांट टू क्रिएट यू नो अ वेरी गुड ड्राइंग एंड मुझे कुछ भी इंस्पिरेशन नहीं है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ, अगर मैं इस रूम को भी मैं देख लूँगी ना, आई एम गोइंग टू गेट थाउजेंड्स ऑफ इंस्पिरेशंस। ओके, तो कई बार हम ये भी करते हैं कि इंस्पिरेशन के लिए हम क्या करते हैं, फटाफट गूगल सर्च करते हैं एंड वहाँ से हम आर्ट निकालते हैं एंड वी यूज़ देम एज इंस्पिरेशन। तो ऐसा हर कोई करता है, ओके, इट्स नॉट रॉन्ग, बट आई वुड से कि उससे बेटर वे ये है कि अपने आसपास इंस्पिरेशन को देखिए एंड फिर उससे कुछ क्रिएटिव बनाइए। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यू आर गोइंग टू क्रिएट अ यूनिक स्टाइल फॉर योर सेल्फ, ठीक है, आपका आर्ट जो है वो भी डिफरेंट होगा एंड यू नो आप कुछ अलग सा क्रिएट करोगे अगर आप अपने आसपास इंस्पिरेशन के लिए देखते हो। सो लुक फॉर इंस्पिरेशन अराउंड यू, ठीक है, दिस वर्ल्ड इज़ वेरी ब्यूटिफुल। कुछ नहीं है तो नेचर में चले जाओ, बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल जाएगी। देन यू शुड बी कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यू नो अगर आप एक आर्टिस्ट हो, सो यू शुड बी कंसिस्टेंट, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। आई नो कि कई बार हमें ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो यू नो एक वीक का ब्रेक लिया या वन मंथ का ब्रेक लिया, दैट्स मोर देन इनफ, बट डू नॉट टेक वेरी लॉन्ग ब्रेक्स। आई मस्ट से डू नॉट टेक वेरी लॉन्ग ब्रेक्स, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ। बाय वेरी लॉन्ग ब्रेक्स आई मीन कि एक साल का ब्रेक ले लिया आपने आर्ट से, सो यू शुडेंट डू दैट। अगर आप ऐसा करते हो तो पता है क्या होगा, पहली चीज़ तो ये होगी कि जब आप रीस्टार्ट करोगे, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि आपने अगर कोई चीज़ एक साल पहले छोड़ी है एंड अगर आप सोचो कि मैं उसी को कंटिन्यू करूँ, सो इट्स नॉट पॉसिबल, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो ऐसा नहीं करना है, ब्रेक चाहिए आपको, ठीक है, लो एक हफ्ते का ब्रेक लो, एक महीने का ब्रेक लो, बट डू नॉट टेक लॉन्ग ब्रेक्स, डू नॉट टेक वेरी लॉन्ग ब्रेक्स, ठीक है, बी कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी का फ्रूट आपको आखिरी में ज़रूर मिलेगा। रेगुलर प्रैक्टिस यू नो आपको उसका बहुत अच्छा फ्रूट बाद में मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट दैट। देन देर इज़ यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है ये, डू नॉट बी अफ्रेड टू ट्राई, ठीक है, डू नॉट बी अफ्रेड।
आपको यू नो यू नीड टू हैव दैट करेज कि मुझे ट्राई तो करना है एटलीस्ट. अगर आप यही सोच के बैठ जाओगे कि अगर मैं ट्राई करूँ और मैं फेल हो जाऊँ तो क्या, अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे तो आप कभी भी ट्राई नहीं करोगे एंड यू वोंट बी एबल टू क्रिएट यू नो समथिंग न्यू समथिंग स्पेशल. सो डू नॉट बी अफ्रेड टू ट्राई. एंड देर इज़ वन यू नो वेरी ब्यूटिफुल पैराग्राफ, ये मुझे एक आर्टिकल में मिला था. आई विल रीड इट आउट फॉर यू. इट इज़ बेटर टू ट्राई एंड फेल देन टू हैव नेवर ट्राइड एट ऑल. How can you know what you are capable of if you don't try? We would amaze ourselves if we strive for more in life. We all have the capabilities within us to achieve anything. It's a very beautiful paragraph and it really touched my heart. So, you know, आपको try करना चाहिए. Fail हो गए तो क्या? फिर से try कर सकते हैं, right? So you should try, but do not be afraid to try. आप ट्राई करोगे तो आप खुद ही बहुत बार यू नो ऐसे अमेज हो जाओगे खुद को लेके कि अरे मैं ये भी कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ. सो यू शुडेंट बी अफ्रेड टू ट्राई, नेवर डू दैट. ओके, ऑलवेज हैव दैट करेज टू ट्राई न्यू थिंग्स. तो ये जो पैराग्राफ है इट्स बाय असद में और ये जो है ही इज़ द फाउंडर ऑफ अवेकन द ग्रेटनेस विद इन. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो उनके आर्टिकल में ये पैरा था, दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू. एंड you know the most important thing is you should always give efforts, okay, put efforts in improving your skills. theek hai, apni skills ko hamesha improve karne ke liye efforts dalte raho. and if you are an artist then I have something for you. theek hai, agar aap apni drawing practice matlab agar aap apni drawing ko improve karna chahte ho, sketching ko improve karna chahte ho, to for that I have very special thing for you. main aapko wo dikhati hu, theek hai. it's a website, so I will be sharing it with you. तो ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है लाइन ऑफ एक्शन. ठीक है, आई विल अटैच द लिंक बिलो. मैं कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक अटैच कर दूंगी. तो ये जो वेबसाइट है, जब आप इसको ओपन करते हो ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. फिगर ड्राइंग, एनिमल ड्राइंग, हैंड एंड फीट, देन फेस एक्सप्रेशंस, उसके अलावा सीनरी एंड एनवायरमेंट ड्राइंग. तो यू नो यू कैन सेलेक्ट एनी जॉनर, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो. लेट्स से अगर आपको एनिमल ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है तो आप एनिमल ड्राइंग पे क्लिक करो. देन आपको यहाँ पे यू नो कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आपको बर्ड्स अगर सीखना है तो यू कैन सेलेक्ट बर्ड. फिर किस टाइप का सीखना है, यू कैन सेलेक्ट दैट टू. ओनली शो लाइव एनिमल्स और इंक्लूड स्केलेटन्स, तो आप वो चूज़ कर सकते हो. फिर उसके बाद आप लेंथ, ओके, कितना बड़ा चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो. इंटरवल, मतलब नेक्स्ट इमेज आने के पहले कितने देर का इंटरवल चाहिए, यू कैन सेलेक्ट दैट. ठीक है, फिर उसके बाद जब आप गेट ड्राइंग पे क्लिक करोगे, सो यू विल बी एबल टू सी द इमेजेस. तो आप फटाफट यू नो जस्ट यू कैन प्रैक्टिस इट, और फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाए एक ड्राइंग की, तो आप फिर नेक्स्ट इमेज पे जाओ, तो यू नो आप क्विकली अपने स्केचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. And it's not a sponsored video, let me say that. ये website मुझे पसंद है, मैं personally use करती हूँ, so इसलिए I just thought of sharing it with you. तो आप इस website को you know you can use it and try to improve your art if you need help. ठीक है, अगर कुछ कोई section है, कोई you know area है जो आप improve करना चाहते हो, so you can obviously try this website. I will attach the link. ठीक है, and do let me know in the comments also कि कैसी लगी आपको ये website. ओके, एंड जस्ट ट्राई इट आउट. सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि ये वीडियो यू नो इट वॉज हेल्पफुल. एंड इन द एंड आई जस्ट यू नो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट ऑलवेज कीप लर्निंग, बी अ ग्रेट लर्नर. सो यू नो इवन आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स, आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ एवरी डे. सो यू नो कीप लर्निंग, बी अ गुड लर्नर and keep exploring yourself. So this was it for today's video. I will be back with another video, and you know you should take care, and till then, bye bye.